नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, गन्ना पेड़ी में इस समय एक भयानक रोग देखने को मिल रहा है और खासकर यह रोग 0238 गन्ना वैरायटी में देखने को मिल रहा है। इसमें जो ऊपर की पत्तियां हैं, जो यानी कि बीज की जो गोब है, उसके बीज की जो पत्तियां हैं वे काली काली पड़कर ख़त्म हो चुकी हैं और साथ ही जो बीज की पत्तियों के आजू बाजू की जो पत्तियाँ हैं उनमें गोल गोल छेद भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। यह तब भी हो रहा है जब किसानों ने कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग कर लिया है, यानी कि इसकी रोकथाम के लिए काफ़ी कीटनाशक का प्रयोग कर लिया है, लेकिन फिर भी ये रोग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये क्या कारण है कि रुक नहीं रहा और इसकी रोकथाम कैसे करनी है, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको पहले बताता हूँ कि गन्ना पेड़ी दो तरीके से किसान छोड़ता है, एक तो जिसमें पत्ती को फैला देता है और दूसरा पत्ती को जलाकर उसकी जुताई कर देता है। तो ये समस्या जो सबसे ज़्यादा आ रही है वो उस तरीके की गन्ना पेड़ी में आ रही है जिन किसानों ने गन्ना पेड़ी की जड़ से कटाई की थी, पत्ती को जला दिया था और उसकी जुताई या खाद की लगा करके, कीटनाशक लगा करके, अब स्थिति ऐसी आ गई है कि उसमें यह रोग देखने को मिल रहा है। तो आप अपने खेत का जब बारीकी से परीक्षण करेंगे, यदि आप फॉर्मेलिटी ऐसे ही देख लेते हो तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप बारीकी से निरीक्षण करना, जिन गन्ना पौधों में आपको छेद छेद से नज़र आएंगे, जैसा कि मैं बार बार वीडियो को दिखा रहा हूँ, तो आप समझ लेना कि इसमें 100% नीचे सुंडी है। और ये आप जिसमें गोल गोल छेद देख रहे हैं और काली काली बीच में गोभ भी नज़र आ रही है, तो इसको आप तोड़ कर देखना तो नीचे आपको सुंडी नज़र आएगी और ये सुंडी आपके गन्ना पौधे को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगी, उसकी बढ़वार को रोक देगी और ये एक पौधे से दूसरे पौधे में बड़ी तेज़ी के साथ जाती है और ऐसे धीरे धीरे ये पूरे खेत में फैल जाएगी और आपकी गन्ना पेड़ी धीरे धीरे बैठ जाएगी। रीज़न इसका ये है कि आपने, आप कहोगे कि हमने तो इसमें कीटनाशक का भी प्रयोग किया था। होता यह है कि जिन गन्ना पौधों की पत्ती जला दी जाती है तो बहुत ही अच्छा फुटाव करके वो चलता है और किसान उसकी जुताई भी बहुत तेज़ी के साथ करता है और उसमें खाद भी लगा देता है, खुदाई भी करता है, पानी भी लगाता है, तो ऐसा करने से उसमें यह रोग, वो पौधा जो है वो ज़्यादा नरम आ जाता है, ज़्यादा नरम हो जाए, ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता है और तुरंत ही उसमें रोग भी लग जाता है। तो ये इसका कारण है और इस रोग का नाम है चोटी बेधक। तो किसान भाइयों, ये तो आपने समझ लिया कि जिस गन्ना पौधे की गोब काली पड़ रही हो, पत्तियों में छेद हो, तो आप उसको तोड़ कर देखोगे तो नीचे आपको सुंडी मिलेगी। अब इसके रोकथाम के लिए मैं आपको 3 दवाइयाँ बता रहा हूँ, जिनमें 2 दवाई तो नॉर्मल है, यदि आपने पहले दवाई नहीं लगाई तो आप उन दवाइयों का इस्तेमाल करें, हो सकता है उन्हीं दवाइयों से वह रुक जाए, लेकिन यदि पहले दवाई लगा ली है और अब भी आपको गन्ना पत्तियाँ में छेद छेद नज़र आ रहे हैं तो समझ ना कि 100% इसमें नीचे सुंडी ही है। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल दवाई भी आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको नॉर्मल दवाई बता दूं, जो यदि आप उसमें अभी तक आपने कोई कीटनाशक प्रयोग नहीं किया है तो इससे भी ये रुक जाता है, तो उसमें आप लेना क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन, यानी कि ये आता है 50% इसमें क्लोरोपाइरीफास होता है और 5% साइपरमेथ्रिन होता है। साइपरमेथ्रिन का काम होता है कि जो सुंडियाँ होती हैं उसकी चमड़ी को है वो अलग कर देता है, उधेड़ देता है उसकी चमड़ी को और उसमें क्लोरोपाइरीफास काम कर जाता है और इस प्रकार से वो सुंडी मर जाती है। लेकिन इसकी पावर को और बढ़ाने के लिए, जैसा कि अब हो रहा है कि दवाई कम काम कर रही है इन पर, तो उसमें 200 ग्राम कारटप पाउडर भी आप मिला लें और जब इसकी आप स्प्रे करें तो खेत में नमी होनी चाहिए और 7 दिन बाद आप उसमें दूसरा पानी लगा दें। तो आपने बात समझ ली, क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन और इसके साथ में 200 ग्राम कारटप पाउडर, इन दोनों को मिला करके आपको 250 लीटर पानी में लेकर के 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, अब मैं आपको दूसरा फार्मूला भी बता रहा हूँ, इसमें आप डेनिटोल लीजिए, सुमोटोमो कंपनी का है, ये भी अच्छा प्रोडक्ट है और ये आपको मात्रा 500 ml लेनी है। दूसरा वही कारटप पाउडर, जिससे कि इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाए और सुंडी पर ज़्यादा तरीके से अटैक हो, 200 ग्राम कारटप पाउडर भी ले लें। इन दोनों दवाइयों को मिलाकर 250 लीटर पानी में लेकर प्रति एकड़ इसका भी आप स्प्रे कर दें और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और उसी में भी वही नियम अपनाएं कि 7 दिन बाद दूसरा पानी लगा दें, तो ये सुंडियाँ सभी मर जाएंगी और आपका खेत बड़ी आसानी के साथ
ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अब मैं एक तीसरी है, यदि किसी दवाई से भी कोई काम न बन रहा हो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। ये इसमें पहली दवाई है फेंडाल 50 EC, और इसमें जो सोल्ट होता है वो होता है फेंथोएट होता है, 50 EC होता है इसमें जो सोल्ट होता है, फेंडाल 50 EC के नाम से ये आती है। और दूसरा जो लेना है वो लेना है आपको वर्टिसिलियम 1%, ये आपको पाउडर के रूप में आता है, 500 ग्राम लेना है, और इन दोनों दवाइयों को मिला करके 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और 7 दिन बाद दूसरा पानी लगा देना चाहिए। 250 लीटर पानी का घोल इसमें काफ़ी मात्रा में पर्याप्त होता है। तो किसान भाइयों, जो मैंने तीसरी दवाई बताई है, किसी भी तरीके से कैसी भी सुंडी हो, कहीं भी छिपी हुई हो, उसको ये डेड कर देगी। तो ये जो है ये बहुत ही हैवी डोज हो जाती है, जो दो दवाइयां मैंने बताई हैं इनको मिला करके। लेकिन ये आपको तभी करनी है जब आप, यदि आपने पहली जो दवाइयां हैं वे नॉर्मल दवाइयां हैं, वे भी इसको सुंडियों को मार देती हैं, यदि उनसे काम ना चले तो आप इसका प्रयोग करें, ये बहुत हैवी दवाई है। तो इससे तो सभी सुंडियों का पूर्णतः सफाया हो जाता है। किसान भाइयों, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अब इस समय उनमें जिन खेतों में ये नरमा रही हैं, नरम होकर के बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं, उनमें रोग लग चुके हैं, तो उनमें यूरिया या किसी भी खाद का प्रयोग न करें, क्योंकि वो जो आपने वे जो बढ़ोतरी कर रहे हैं वे वैसे ही नरम होकर चल रहे हैं, इसीलिए तो उनमें इतना रोग लग रहा है, जो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आप इसमें कृपया करके अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए यूरिया का प्रयोग न करें, केवल दवाई का प्रयोग करें। यदि आपने इनकी रक्षा कीड़ों से कर ली है तो काफ़ी लंबा समय है, उसमें आप बाद में भी उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पानी का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी कि हर 7वें दिन यदि उसमें पानी लगाएंगे तो उसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।